घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथ से बनाई थी, मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल है, भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है, इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा, तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो, वैसे तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे फिर वॉशिंग मशीन से, पहले हाथ की सफाई फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हरे काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं, अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं, इस हाथ पैसे देंगे उस हाथ कार ले लेंगे। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगा कर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भगवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भगवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शन समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इसे राइट लेफ्ट जाएंगे, ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है। शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहां दूसरी गाड़ियां भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल।
अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पांव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी, ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सिग्नल है तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पांव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है।